लखनऊ से है, जहां कई जिलों में अगले चार दिन तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ है। फिलहाल अभी गर्मी कम होने की कोई उम्मीद नहीं है। बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर में अलर्ट जारी किया गया है। आसपास के इलाकों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। प्रतापगढ़, मिर्जापुर और वाराणसी में लू की चेतावनी जारी हुई है। संत रविदास नगर, कानपुर देहात में लू की चेतावनी जारी हुई है। कानपुर, जालौन और हमीरपुर, महोबा, झांसी में लू की चेतावनी जारी हुई है। वहीं लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, गोंडा, बस्ती में भी अलर्ट जारी हुआ है। लोगों को धूप से बचाव के लिए निर्देश दिए गए हैं। देखिए, हीटवेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, जहां लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, गोंडा, बस्ती में ये गर्मी का कहर देखने को मिल सकता है। लोगों को धूप से बचने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कई जिलों में अगले चार दिन तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। जहां उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ, देखिए लू को लेकर ये अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल अभी गर्मी कम होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो गर्मी आगे ऐसे ही सताएगी। जहां बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर में अलर्ट जारी किया गया है। आसपास के इलाकों में हीट वेव की चेतावनी जारी हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सीमाब हमसे जुड़ चुके हैं। सीमाब, देखिए गर्मी का कहर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आगे भी ये गर्मी ऐसी ही सताती रहेगी, जानकारी सामने आ रही है। क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है लू को लेकर? देखिए, हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कुछ उत्तर प्रदेश के ज़िले ऐसे हैं जहां पर ज़्यादा हीट वेव की संभावना जताई गई है और ये सिलसिला लगभग चार पाँच दिन अभी और जारी रहेगा तेज़ी के साथ। उसमें फतेहपुर है, बांदा है, कानपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, प्रयागराज, चित्रकूट और जो बुंदेलखंड के ज़िले हैं, ख़ास तौर से यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ पर हीट वेव का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, प्रकोप ज़्यादा रहेगा, तो लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी उस हिसाब से। और दूसरी चीज़ है कि उत्तर प्रदेश के जो दूसरे ज़िले हैं वहाँ पर भी भयंकर लू चलने की संभावना जताई गई है। लोगों को बड़ी सावधानी के साथ रहना होगा। इसमें लखनऊ है, बाराबंकी है, सीतापुर है, उन्नाव है और आसपास के जितने ज़िले हैं, अयोध्या, फैजाबाद से लेकर और ज़िले, यहाँ पर जो है वो संभावना है कि लू जो है वो ज़्यादा तेज रहेगी। इसी के साथ साथ समूचा उत्तर प्रदेश ही मान के चलिए कि जहां पर इस तरह की संभावना व्यक्त की गई है, लोगों को गर्मी से बचाव के लिए, हीट वेव से बचाव के लिए खुद सतर्क रहने की जरूरत होगी। सीमा, देखिए हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, बचाव के लिए क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि क्या कुछ बचाव करना है? देखिए, जाहिर है कि धूप में बेवजह न निकले व्यक्ति और पेड़ की छांव में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ये सारे के सारे उपाय जो है वो पहले से बताए गए हैं। हालांकि अस्पतालों में भी इस चीज़ को लेकर, हीट वेव को लेकर व्यवस्था की गई है और कई जगहों पर बोला गया है कि हीट वेव का अगर कोई मरीज़ आता है लू से तो उसकी केयर ठीक से की जाए। तो इस चीज़ को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आदेश निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि पिछले दिनों देखा गया था कि कई लोगों की मौत गर्मी की वजह से, हीट वेव की वजह से हुई थी, जिसके बाद फिर प्रशासन को अलर्ट रहना पड़ा था और जिन जिलों में ये चेतावनी दी गई है, जाहिर है कि वहां पर लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है और प्रशासन को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है ताकि किसी तरह का कोई जानी नुकसान ना हो। ठीक है, धन्यवाद सीमा, आप तमाम जानकारियों के लिए आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है, जहां आरएलडी ने अपने नेता रोहित अग्रवाल को चेतावनी